नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1TV का खास कार्यक्रम मुद्दा है। अगर मुद्दा अगर हम बात करेंगे, हम मतदान के बड़े प्रतिशत को लेकर लोकतंत्र का चेहरा खिल गया है। माना जा रहा है कि जब जब मतदान का प्रतिशत अधिक होता है तो यूं समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति लोगों में जागरूकता आई है और लोगों का रुझान जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति बढ़ा है। और पिछले 68 साल का रिकॉर्ड इस बार जो टूटा है, पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 की बात करें तो उससे भी 3% अधिक मतदान बढ़ा है। तो ये वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि जिन मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए राजनीतिक दलों को ईडी से चोटी का जोर लगाना पड़ता था, उसके बावजूद 40%, 50%, 54% से ज़्यादा मतदान नहीं बढ़ पाता था। और लेकिन इस बार जो बंपर मतदान हुआ है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में समीकरण क्या होंगे, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है वो उनके पक्ष में जाएगा, वहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है सत्ता के खिलाफ एक लहर चली है और अंडरकरंट है, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन हासिल जो निर्णय है वो तो जब मतगणना होगी 23 को उसमें ही पता लग सकेगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियां बढ़े हुए मतदान को अपने अपने पक्ष में मानकर चल रही है। इसी बात पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र कुमावत लांबा जी, कांग्रेस पार्टी से आपका स्वागत है। सुरेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं बड़े मतदान को? काफी चर्चा हुई होगी, पार्टी में भी चर्चा चल रही है, बहस भी चल रही है, उम्मीद क्या लग रही है आप लोगों को? निश्चित रूप से नीरज जी, जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसका कोई एक कारण नहीं है, उसके खूब बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से आपका एक, आपको भी मान सकते हैं कि मीडिया की तरफ से जागरूकता और प्रशासन की तरफ से विशेष अभियान चलाए गए और जो युवा वर्ग है या जो लोग हैं धीरे धीरे उनमें जागरूकता बढ़ी है। कोई ज़माना था जब आम जो गाँव में ले लो या लोगों में ये धारणा होती थी कि राजनीतिक दलों के प्रति या राजनीति के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता था। वो प्राय एक बात अपने राजस्थानी में कहावत कही जाती थी कि अपने कौन सी जो राजनीतिक दल है वो बाजरी की बोरी डालेगा, जैसे मैं जिस एरिया से हूँ, तो उनका कहने का मतलब था कि कोई राजनीतिक दलों से अपने को क्या मतलब है, कौन से घर पे अन्न थोड़े इन डालेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि डेमोक्रेटिक जहाँ सिस्टम है वहाँ राजनीतिक दल या सरकारें हैं वो देश का भविष्य निर्धारित करती है, देश का विकास क्या होगा, आम आदमी का विकास कैसे होगा, उन सब बातों पर डिपेंड करता है। तो पार्टियों को, किस पार्टी को लाइक करते हैं, कौन सी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ये बाद की बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जागरूकता है इस बात की कि वो वोट करना चाहते हैं। दूसरा, एक जो नोटा, मेरा ये मानना है कि जो नोटा जो ऑप्शन मिला है उससे भी कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि कोई राजनीतिक दलों को लाइक नहीं करे, अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लाइक नहीं करे, तो ये एक नोटा भी कहीं ना कहीं ऑप्शन आया है, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक कारण मान सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है और हमारी पार्टी ने जो प्रयास किया है 2014 के चुनाव के बाद, कांग्रेस पार्टी का या राहुल गांधी जी का मानना ये था कि हमारी जो हार हुई 2014 में उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि हम, कांग्रेस पार्टी है वो संगठनात्मक रूप से कमज़ोर हुई है। और उसी समय से राहुल गांधी जी ने जो प्रयास किए कि संगठन को मजबूत किया जाए और संगठन को मजबूत किया जाए और विपक्ष में जब पार्टी है तो विपक्ष की भूमिका अच्छी तरीके से निभाए और जनता के दुख दर्द में खड़ी रहे, और वो 5 साल बखूबी निभाया। और राहुल गांधी जी के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट तक, जो माइक्रो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो माइक्रो मैनेजमेंट का काम किया। और आपने नीरज जी खुद इस बात को महसूस किया होगा, आप लंबे समय से देश की राजनीति को देख रहे हैं, शायद कांग्रेस पार्टी में ऐसा इतना जो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं था जो राहुल गांधी जी के प्रयासों से हुआ। और जो पोलिंग बूथ पे जो एजेंट बिठाए जाते हैं वो एजेंट चुनाव के 2 दिन पहले ये तय होता था कि फला पोलिंग बूथ संख्या इतने पे इस ग्राम पंचायत में ये एजेंट बैठेगा, लेकिन ये काम राहुल गांधी जी ने आज से 3 साल पहले करवा दिया। 15-15 जो लोगों की एक टीम बनाई गई हर पोलिंग बूथ से, और उन लोगों को तमाम जो पार्टी के कार्यक्रम है या जो अभी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है और कैसे वोटिंग परसेंट, और एक डाटा जो माइक्रो लेवल पे एक डाटा कि कौन सा पोलिंग बूथ है जो 2014 का आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लूज किया, 2009 में कांग्रेस पार्टी इस पोलिंग बूथ से जीती। कई जगह की सूचनाएं आ रही है कि कई मतदान केंद्र ऐसे भी थे जहां कांग्रेस पार्टी के अभिकर्ता नहीं बैठे, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कमजोरी रही या जिन लोगों को अपन ने 3 साल पहले चुन लिया उनको बैठ के भी लगातार ली,
कहीं ना कोई कमी रह गई, उनको वो कन्वेंस नहीं हो पाए सही तरीके से, कई बूथ ऐसा नहीं है बहुत, लेकिन पहले से मैनेजमेंट सुधरा है इस बात को मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर राजधानी जैसे जगह पर भी कई मतदान केंद्र से देखे गए जहां पर आपके अभिकर्ता नहीं बैठे। नीरज जी जो नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, मे भी ऐसा होगा, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं वो पॉइंट परसेंट का अपवाद आपको मिलेगा। सपोज कीजिए दो एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है, अगर 2000 के लगभग 2200 के लगभग पोलिंग बूथ है, तो मे भी उन 2500 या 2000 पोलिंग बूथ में से हो सकता है 2 जगह 5 जगह ऐसी होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। उसमें भी कई बार कारण रहता है कि कोई टेक्निकल कारण भी हो सकता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कई बार जो पोलिंग बूथ एजेंट है, लेकिन ये पॉइंट परसेंट का मामला है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का, मेरा ये मानना है कि 99.99% ही कांग्रेस पार्टी के पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं जो मतदान प्रतिशत बढ़ाए उसमें एक जो चुनाव आयोग का जो समय को बढ़ाया गया उसका भी एक कारण रहा है। और कांग्रेस से की जहां बात करें तो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता था, हमारे कार्यकर्ताओं ने बिना कुछ खाए पिए जा करके 6 बजे से लेके 8 बजे तक मतदान केंद्र पे डटे रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो लगता है उम्मीदें बढ़ गई आप लोगों की, क्योंकि मतदान बढ़ा है, प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा है कि उसकी उम्मीदें खरी उतरेगी, उनको लगता है कि राजस्थान में जो 25 सीटों पर चुनाव हो चुका दोनों चरणों का, वहीं कहीं फायदे का सौदा नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कई चाहे मतदान प्रतिशत बढ़ने के और नीरज जी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीत के भी जो कारण है वो खूब सारे होंगे, देश में भी खूब सारे कारण होंगे, क्योंकि देश की जनता है। अगर आम बात अपन करें तो जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर जो होते हैं वो 10-15-20% लोग होते हैं जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी या अन्य किसी पार्टी से डायरेक्ट एक्टिवली जो वर्कर होते हैं, लेकिन आम जनता होती है, वो आम जनता बीजेपी कांग्रेस अन्य पार्टियों की बात नहीं करके वो ये बात करती है, वो जो परिवर्तन करती है वो आम जनता करती है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी या अन्य पार्टी को मौका देती है। वो मौका देने का जो उनका जो कारण होता है वो कारण ये होता है कि जो पार्टी जो वादे करके देश की जनता से प्रदेश की जनता से आती है उन वादों पे वो कितनी बात करें। अब तक जब मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जब 4 बार भारतीय जनता पार्टी को फायदा उसका मिला है, 2 बार कांग्रेस पार्टी को मिला है, पिछली बार भी जो मतदान प्रतिशत बढ़ा था तो भारतीय जनता पार्टी को बम्पर बहुमत मिला था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जब 4 बार अब से पहले जब जब मतदान बढ़ा है तब तक भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला है, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ जो है 1984 और जो है 1977 उसके बाद में 92 में राजीव गांधी के बाद में जब चुनाव हुए थे तब ही इस तरह का फायदा मिला था। नीरज जी, जैसे आपने मेरे से सवाल किया कि जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो उससे आप क्या उम्मीद लगाते हो, तो मेरा एक आप जवाब हो सकता था कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है तब मतदान प्रतिशत बढ़ा, लेकिन मैं ये मेरा जवाब हो सकता, लेकिन मैंने ये आपको जवाब नहीं दिया क्योंकि कारण बदलते रहते हैं। ये कारण मैं ये कारण नहीं दूंगा कि आज सेंटर में गवर्नमेंट है जो बीजेपी की रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, स्टेट की भी बात करें तो अभी 2 महीनों को छोड़ दे तो बाकी समय में राजस्थान में भी सरकार इनकी रही है। समय पे कारण बदलते रहते हैं। आपने 6 बार की बात की, उसमें से 2 बार आपने कहा कांग्रेस पार्टी आई है, लेकिन मैं उन सब बातों को छोड़ के मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा रीजन अगर रहेगा तो बार बार जब चुनाव पे चर्चा चल रही थी तो आप लोग मीडिया के लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि युवा वर्ग बड़ी संख्या में वोट करने आ रहे हैं, तो भाई युवा वर्ग बड़ी संख्या में, आज युवा वर्ग के सामने नीरज जी समस्या है कि आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और आवश्यक खर्चे हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और जो वादे रोजगार के जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से किए थे वो वादों पे 5% भी वो खरे उतरे। सुरेंद्र जी, फिर भी युवाओं में खासतौर पर मोदी जी का खासा असर देखा गया, मोदी मोदी के नारे लगाने वाले भी युवा ही है, तो आप उस बात को नकार नहीं सकते कि युवाओं में राहुल गांधी जी का नारे लगाने वाले भी युवा है। नीरज जी, राहुल गांधी जी को के नारे लगाने वाले लोग भी युवा है, और राजस्थान में मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस चुनाव से पूर्व अगर अपन 5 साल की बात नहीं करें, अभी हाल ही के 1 साल की बात करें
तो देश में जितने भी लोकसभा के चुनाव, चलो राजस्थान के चुनाव ने तो इन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये तो वसुंधरा जी के खिलाफ लहर थी, मोदी जी के खिलाफ लहर नहीं थी, चलो आपका कारण मान लिया, ये कारण था, तो दो लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव का मतलब होता है सेंटर से, और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, वो नीतियां बताते हैं, उज्ज्वला या कितनी कितनी उन स्किल डेवलपमेंट, तमाम जो बातें करते हैं, जो सब फैल स्कीम है इनकी, वो उनकी बात करते हैं, तो अगर वो बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी को आपने फेस बना के अलवर लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप चुनाव हारे, अजमेर लोकसभा का चुनाव लड़ा आपने, वह आप चुनाव हारे, और 12 सीट, एक दर्जन सीटें बीजेपी ने लूज की, दावा करी 25 सीट वापस भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। देखिए उन्होंने नीरज जी, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने यह भी दावा किया था कि 180 सीट राजस्थान में हम जीतेंगे, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 180 सीट का दावा करते हैं और वो फिर उनके 73 सीट आती है, तो आप उसी अंदाज से, उसी रेशो से आप आंकलन कर लीजिए कि जो 25 की आज बात कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा, ये जो भविष्य के गर्भ में है 23 तारीख को सत्ता विरोधी लहर का फायदा कांग्रेस पार्टी को कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, सत्ता के विरोध में लोगों का आक्रोश था, वो मतदान तक पहुंचा, लोगों ने अपने आक्रोश को मतदान व्यक्त किया और उसका लाभ कहीं न कहीं उसका भी मिला। और मैं ये कह रहा हूँ क्या है कि नीरज जी, कांग्रेस पार्टी, देश की जनता में बीजेपी आज कहती है कि भी 70 साल में क्या किया नरेंद्र मोदी जी स्पेशली, क्योंकि बीजेपी शब्द तो रहा ही नहीं, बीजेपी तो एक संगठन होता है, जैसे आज कांग्रेस पार्टी का एक संगठन है, वो एक नीचे पोलिंग बूथ से लेकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मेरे भाई, वो मिस कॉल से और वो मिस कॉल आप जानते हो कौन डाटा कितना चेंज हो सकता है, तो वो विश्व से भी बड़ी कोई चीज है नहीं शायद इनके पास, ब्रह्मांड की उसका भी दे सकते थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि भी इनका जो संगठन है, संगठन नाम की ये चीज नहीं, जो ये जो कोई भी बातें करे, ये देश की जनता है, वो जो राहुल गांधी जी ने जो वादे किए, आपने राहुल गांधी जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ करे, उन्होंने कहा था कि पंजाब चुनाव से पहले कहा पंजाब में हमारी सरकार आएगी तो किसानों के ऋण माफ करेंगे, पंजाब में हुआ, कर्नाटका में हुआ, और आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीन राज्यों में, और राजस्थान प्रदेश की हम बात करें, राजस्थान देश का 2.5 महीने का समय सरकार चलाने का मौका मिला है, ये 60 महीने में वो काम नहीं कर पाए। अगर हम बात करें किसानों की, तमाम जो सुविधाएं थी, सब्सिडियां इन्होंने बंद कर दी, फिर से चालू की गई, जो आपके फूड प्रोसेसिंग इकाई है उसके लिए परमिशन अब किसानों को नहीं लेनी पड़ेगी, वर्धा पेंशन है वो 1.5 गुना कर दी, और आपके जो किसानों की जो बात की थी राहुल गांधी जी ने, कर्ज माफ की 2 लाख, आपको लगता है इसका फायदा मिलेगा, जो राजस्थान सरकार ने निर्णय किए हैं उसका फायदा मिलेगा। बात कर रहे थे मुद्दा क्रम में, मतदान के बढ़ने से लोकतंत्र का चेहरा खिल गया है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मान सम्मान भी बढ़ता है, लोगों को उम्मीद रहती है कि जब जब मतदान बढ़ता है तब तब लोकतंत्र साकार होता है, क्योंकि लगता है कि जिन लोगों को अधिकार दिया था उन्होंने अपना अधिकार का उपयोग किया है और जो प्रतिनिधि चुन के आएगा वो सही मायने में जनता का प्रतिनिधि होगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो चुने जाते थे प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी होती है, लोगों को लगता है इसको मैंने वोट दिया था या इसके खिलाफ मैंने वोट दिया था। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ नए मेहमान और जुड़ गए हैं, मनीष पारिक जी भारतीय जनता पार्टी से। मनीष जी आपका स्वागत है। मनीष जी, बढ़े हुए मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है कि क्या पिछला इतिहास दोहराएंगे या फिर बढ़ा हुआ मतदान कहीं सत्ता विरोधी लहर का परिणाम तो नहीं है? नहीं नीरज जी, विरोधी की तो कोई बात ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो इतनी अगर गर्मी के बावजूद, टेम्परेचर के बावजूद भी मतदान हो रहा है, तो दो बातें हैं। एक रेगुलर जो प्रचार अभियान था भाजपा का, आपने देखा विरोधियों ने ये भी कहा कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है, अमित शाह जी और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी कभी बैक टू पवेलियन होती नहीं है, वो मैदान में ही रहती है हमेशा। कभी विस्तारक योजना हो रही है, कभी बूथ कैंपेन योजना हो रही है, कभी समितियों की बैठक हो रही है, कभी प्रशिक्षण अभियान चल रहे हैं निरंतर। और इसके कारण क्या हुआ, रेगुलर हैमरिंग जो जनता है उनके मन में रही, कभी ये चूल्हों की बात करते हैं, गैस के चूल्हे, कभी शौचालय की बात होती है, कभी मन की बात होती है, कभी विदेश में 5वां स्थान हमको मिल गया है इकोनॉमी को, कभी पाकिस्तान के इमरान खान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक मौका और मिलना चाहिए, कभी वहाँ पर सुषमा स्वराज दहाड़ रही हैं यूएन में, तो ये चीज़ें लगातार मानस पटल पर अंकित होती चली गई। और इसके कारण ये हुआ कि सब लोगों ने मानस बनाया कि वो मोदी जी को वोट करेंगे, वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि मोनोटोनस सा चुनाव था, 13 में हमको वोट दिया, 14 में हमको वोट दिया, मोदी को वोट दिया, अभी भी वोट दिया मोदी को, तो सब लोगों को अभी भी लग रहा है आपको मोदी जी को वोट मिला है सारा? निश्चित तौर पर जो मानसिकता है पूरे देश की, ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है, ये मानसिकता बनाने में बीजेपी कामयाब हुई। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जातिवाद
पे चुनाव हो, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि राष्ट्रवाद पे चुनाव हो। अब आप डिसीजन कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि राष्ट्रवाद पे चुनाव हुआ है तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र जी आपकी पार्टी राष्ट्रवाद में चुनाव नहीं लड़ती है, सिर्फ जातिवाद में चुनाव लड़ती है। देश की तमाम पार्टियां राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ती है और देश का प्रत्येक नागरिक है जो भारत में रहता है वो राष्ट्रवादी है। लेकिन बीजेपी ने जो नई डेफिनेशन दी है, बीजेपी ने नहीं, बीजेपी का मैं नहीं कहूंगा, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने, कि उन्होंने ये माना है कि जो भी आदमी बीजेपी को वोट देता है वो राष्ट्रवादी है और वो कितना ही बड़ा कुछ भी क्यों ना हो, उसके कितने ही पाप क्यों नहीं किए हो, वो बीजेपी में आ जाता है तो उनके पास वॉशिंग मशीन है, उसको साफ कर देते हैं और वो राष्ट्रवादी हो जाता है। अगर इनका ये मानना है कि बीजेपी को ही वोट देने से राष्ट्रवादी होता है तो पिछले आम चुनाव में इनको 31% वोट मिले, इसका मतलब 69% लोग जो देश में है वो राष्ट्रवादी नहीं है। ये नई डेफिनेशन पार्टियां राष्ट्रवाद के बाहर थी, राष्ट्रवाद के खिलाफ थी, नहीं ये जानना चाहता हूँ। बीजेपी एज ए राष्ट्रवादी पार्टी है, नहीं बाकी बाकी क्या इस देश का मनीष जी बाकी पार्टी गैर राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है क्या? युवा जो रोजगार मांग रहा था 45 साल में 37% बेरोजगारी, क्या आपको लगता है मनीष जी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो भी पार्टियां हैं वो गैर राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्रवादी के नाम चुनाव नहीं लड़ा? देखो समाजवाद है, एक साम्यवाद है, एक पूंजीवाद है। अब आप इन पार्टियों को कैटेगराइज कर लीजिए, पर बीजेपी तो राष्ट्रवाद है। आपने अमीरवाद है, इसका मतलब हमें तो ऑब्जेक्शन नहीं है आपके राजनीति होने से। नहीं ये कब कहा? मैं मानता हूं बात ये है। मनीष जी क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा पार्टी को, क्योंकि आपने राष्ट्रवाद की बात किया? मैंने आपको यही कहा नीरज जी कि बीजेपी को फायदा निश्चित तौर पर होने वाला है, पर अगर कोई नहीं मानता है तो वो ये विचार कर ले कि लोग मोदी को वोट अगर दे रहे हैं तो ये तो निश्चित तौर पर बात सही है कि वो सांसद के नाते नहीं दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के नाते दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री हमेशा देश का ही होता है, राष्ट्र का ही होता है। तो निश्चित तौर पर देश नेशन वाइड इलेक्शन हुआ, नेशन के मुद्दों पे हुआ कि 370 हटनी चाहिए, कि यहाँ पर कश्मीर में शांति होनी चाहिए, ये जो रोहिंग्या मुसलमान है वो नहीं आने चाहिए, ये जो बातें हुई सबने कॉस्टल ममता बनर्जी को भी इसीलिए एक्यूज़ किया कि ये तो चाहती है कि ये सब आ जाएं यहाँ मेरे वोट दे दे, बांग्लादेशी पहले आते थे अब रोहिंग्या आ जाएं, वो ऐसे उसका समर्थन है। तो लोगों ने कहा कि ये कोई तरीका ठीक नहीं है, जो समाजवाद के नाम पे आप देखो नीरज जी जो लेम्बोर्गिनी कार है वो मुलायम सिंह जी के छोटे लड़के के पास में है जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। अब मोदी जी के रिश्तेदार हैं, एक पतंग बेचते हैं, एक पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, एक शिक्षक हैं, तो वो ईमानदार लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, वो पैसे नहीं खाते हैं भ्रष्टाचार में जेल नहीं जाते। सीधा सा आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या पीएम मोदी के रिश्तेदार हैं बिल्कुल ईमानदार है, बिल्कुल अपने छवि बन गई, लोगों की छवि बन गई। और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है जी, अपने किसी के व्यक्तिगत लाइफ पे नहीं जाएं तो ज्यादा बेटर है कि नरेंद्र मोदी जी का खुद का व्यक्तित्व कैसा है, कि देश में चाहे कितना ही बड़ा 40 शहीद है जो वो सैनिक शहीद हुए और वो लाखों का कुर्ता पहन के कई हजारों की चश्मा लगा तो के अंगूठिया हिला करके राजीव गांधी जी ने 1200 सैनिक मरवा दिए श्रीलंका में ले जाके, कह रहा हूं ये तो भारत माता की रक्षा करते हैं। और मैं ये कह रहा हूं पारिक जी, मैं ये कह रहा हूं आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी राष्ट्रवाद में किसान नहीं है जिनको आपने उनकी उनकी फसल की कीमत मरवा दी लंका में, आपके आपकी राष्ट्रवाद के डेफिनेशन में देश के दलित नहीं आते हैं जिनको नरेंद्र मोदी के मॉडल स्टेट में जो मर्द पशुओं को उठाने वाले लोग हैं उनकी बेरहम मौत होती है। आपके योगी आदित्यनाथ जी के एरिया में एक दलित बालिका का कसूर ये होता है कि वो टॉप पर जाती है। आप दलित आपकी राष्ट्रवादी नहीं है, पिछड़ा वर्ग आपके नहीं है, अल्पसंख्यक आपके नहीं है, तो किस बात का सबका साथ सबका विकास? आप राष्ट्रवाद बताइए देश के, मैं कह रहा हूँ रक्षा बजट है वो आपने कम कर दिया। और मुझे लगता है पारिक जी सुरेंद्र जी मुझे लगता है हमको बात त्वरित राष्ट्रवादी नहीं थे, ताजा मुद्दों पे बात होनी चाहिए। सैनिकों ने अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो एक दूसरे पर लांछनी लगाते रहोगे। लोगों को सुरेंद्र जी राष्ट्रवादी है, सुरेंद्र जी पारिक जी जो महिलाएं सुरेंद्र जी, क्योंकि यदि आप दो एक दूसरे पे लांछन लगाते रहेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे तो इसी तरह से ये विषय मैं इनके जो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन है मुझे एतराज नहीं है,
मुझे नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रवादी होने, अमित शाह जी के या बीजेपी के या शिवसेना के किसी के, लेकिन देश में पहली बार ऐसा हुआ है, देश की संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, देश में जो बेरोजगारी है, 45 साल में बता दिया, अभी ताजा लेटेस्ट एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आके कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनको क्लीन चिट मिली है, कर्नाटक में बनाया था देवगौड़ा को मुख्यमंत्री, उन्होंने चीफ जस्टिस ने आके कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पे सुनवाई होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया, मुद्दों पे अगर संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है तो सुरेंद्र जी, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है तो इसका मतलब लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट कास्ट किया होगा, तो ये बढ़ा हुआ वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास। निश्चित रूप से मैंने पारिक जी से आने से पूर्व भी ये बात की, मैं नीरज जी ये कह रहा हूँ कि देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो बीजेपी कांग्रेस का परमानेंट वोट बैंक नहीं है, और वो समय के साथ जो उनसे वादे करके आते हैं और उन वादों पे खरे नहीं उतरते, सच्चे राष्ट्रवादी वो लोग हैं, और वो ये हिसाब पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने कहा रोजगार देंगे, रोजगार देना दूर की बात, जो नोटबंदी करके आपका जो तानाशाही फरमान था जिसमें रातों रात आपने कहा ये नोट मुझे पसंद नहीं है, अलग कलर के नोट होने चाहिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, जो करोड़ों लोगों ने रोजगार खोया, जीएसटी से मध्यम वर्गीय व्यापारी मरी, मध्यम वर्गीय व्यापारी से जाके बात करो आप, खुद इस बात को स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर बढ़ा हुआ पोलिंग परसेंटेज 23 तारीख को बताएगा, पहले भी पोलिंग परसेंटेज बढ़ा था, मोदी जी को 300 सीटें आई थी, अभी भी होगा तो एनडीए को 350 से 400 सीटें पहले चार बार मतदान बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। मैं कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, पारिक जी, जब चार बार मतदान पहले बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, इसलिए हम कह रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित है, उनको लग रहा है कि इस बार भी जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है कहीं ना कहीं उनके खाते में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन सुरेंद्र जी का दावा यह है कहीं ना कहीं ये जो है सरकार विरोधी लहर है, इसके चलते मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, इसीलिए इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। युद्धाग्रम में आप दोनों ने अपनी राय रखी, युद्धाग्रम में पारिक जी, लांबा जी, आप दोनों ने अपनी राय रखी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, जिनका साफ साफ कहना था कि कहीं ना कहीं बड़ा हुआ मतदान था, वो सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ था और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनका साफ कहना था कि जो बढ़ा हुआ मतदान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 साल में जो 5 साल में जो काम किए हैं उसका प्रतिफल है, और कहीं ना कहीं उन्हें इसका पहले भी 4 बार उनको फायदा मिला है, और इस बार भी बढ़े हुए मतदान का फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। मुद्दाग्रह में आज के लिए इतना ही, ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।